स्टूडेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, ये देख के अच्छा लगता है। उमन होता है कि टीचर अपना अलग ग्रुप बना लेती हैं, स्टूडेंट अपना अलग बना लेते हैं, दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख के अच्छा लग रहा है कि आपने स्टूडेंट्स के साथ में सारे टीचर भी बैठे हुए हैं। ऐसा जब हम कभी किसी विद्यालय के, किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कभी सम्मेलन में जब मैं जाता था तो मुझे वहां पर यह माहौल दिखाई पड़ रहा था कि आगे की सीट पर टीचर बैठे होते थे, पीछे बच्चे बैठे होते थे और वो बच्चे इस इंतजार में रहते थे कि किसी तरह से ये टीचर उठ के चली जाए तो हम लोग खुल के ताली बजाए। तो यहाँ पर तो हाँ तो हमें लगता है कि क्योंकि ये जूम है, इसमें तो आप उस तरह से जा भी नहीं सकते हैं, और हमारा परिचय रितु जी ने दिया है कि हम कविताएं लिखते हैं, पेशे से मैं वैज्ञानिक हूँ और कोविड पर काम भी कर रहा हूँ। तमाम अलग अलग तरह का हमारा परिचय है। कुछ लोगों को आश्चर्य भी होता है कि एक हार्ड कोर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में काम करने वाला कवि कैसे हो सकता है, कविताएं कैसे लिख सकता है, व्यंग कैसे लिख सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर कुछ ऐसे तत्व हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई इंजीनियर हो या फिर कोई बड़ा टेक्नोक्रेट हो, सबका एक पैशन होता है सबके दिल के अंदर, या ईश्वर सबको कुछ एक अलग तरह की चीज देकर पॉलिश करने की जरूरत होती है। हर हिंदुस्तानी या हर इंसान के अंदर कोई एक ऐसी प्रतिभा जरूर होती है जो उसे स्पेसिफिक बनाती है, उसे विशेष बनाती है। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इन बच्चों के अंदर भी जरूर कोई टैलेंट होगा। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, एक सपना होगा, क्या अपने टैलेंट को ही अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फ्यूचर के लिए कुछ और सोच रखा है। टैलेंट तमाम तरीके के उलझने होती हैं, तमाम तरीके के संघर्ष होते हैं, तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं जब हम किसी एक पेशे से जुड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ हम बड़ी मेहनत से कुछ कर रहे होते हैं। रितु जी भी कविता लिखती हैं और कविता हम लिखते क्यों हैं, इस वजह से लिखते हैं जिससे कि लोग सुने, सीधा सीधा एक मतलब होता है। कविता हम खुद की खुशी के लिए एक समय तक लिखते हैं जब हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है, लगता है कि हमारी कविता अगर कोई दूसरा पढ़ लेगा तो शायद उसे हमारी कमजोरी पता चल जाएगी, इस वजह से वो तमाम सारे डायरियों में लिखता रहता है, सामने नहीं ला पाता है, और बहुत सारे बड़े कवि उन डायरियों में ही महफूज होकर रह जाते हैं, या यूं कहें कि डायरी में ही पैदा होते हैं और डायरी में ही कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है कभी, अगर आप कुछ अपनी चीज लाना चाहते हैं, थोड़ा सा बेशरम भी बनना पड़ता है उन डायरी में पैदा उन तमाम सारी कविताओं को जिसे कि आप स्वांता सुखाए लिखा करते थे, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा करते थे, उनको लाने पड़ता है और ये भूल करके लाना पड़ता है कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। अगर हम ये सोचने लगेंगे तो शायद हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। देश के तमाम बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च की वो बहुत बड़े बेशरम थे और पूरी कभी नहीं सोचते थे कि इतना बड़े वर्ल्ड के मंच पर जब हम पेपर प्रेजेंट करेंगे तो कौन हमारी हंसी उड़ाएगा या कौन हम पर फप्तियां कसेगा। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से डूबना पड़ता है किसी भी चीज के गहराई तक। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बेखुदी में जीना पड़ता है। एक वाक्य मैं अक्सर शेयर करता हूं, रितु जी आप सुनिएगा और रजनी जी और जो भी पूनम जी हैं और भी जो हमारे बच्चे हैं, देखिएगा कि आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि आप किसी वैज्ञानिक के सिद्धांत को बाद में पढ़िए, सबसे पहले उसके जीवन को पढ़िए। न्यूटन
के नियम क्या हैं इनको बाद में पढ़िए, न्यूटन ने जिंदगी कैसे जी इसको पहले पढ़िए, आर्किमिडीज कौन था ये जानने की कोशिश करिए, ये बड़ा जरूरी होता है और इसी से हमें जीवन की दिशा भी मिलती है। बच्चों कॉन्सेप्ट को समझ करके और एग्जाम में पास हो जाना एक बात होती है, लेकिन किसी की जिंदगी से जुड़ करके उस तरह से बन जाना दूसरी बात होती है। हम तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उनकी जिंदगी भी जाननी चाहिए, कैसा उन्होंने जीवन जिया, किस वजह से इतना ग्रेट वर्क वो कर गए। मैं आइंस्टाइन जा रहे थे ट्रेन में, ट्रेवल कर रहे थे तो टीटी टिकट चेक करने के लिए आया और आइंस्टाइन से पूछा कि टिकट दिखाइए। आइंस्टाइन टिकट ढूंढ रहे थे, उन्होंने अपनी जेब चेक करी, अपनी पॉकेट चेक करी, इधर उधर देखा, टिकट नहीं मिल रहा था। तो उसने गौर से देखा और कहा, अरे आप आइंस्टाइन है ना, ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने कहा हाँ मैं आइंस्टाइन हूँ। टीटी बोला कि अरे जाइए जाइए, आपको तो पूरी दुनिया जानती है, आपको कोई ऐसे टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, जाइए। अब वो टीटी पूरा ट्रेन चेक करके वापस लौट रहा था तो देखा कि आइंस्टाइन फिर भी बार बार अपना टिकट ढूंढ रहे हैं, कभी इस जेब में, कभी उस जेब में, कभी इस बर्थ के नीचे, कभी उस बर्थ के नीचे। तो उसने कहा कि अरे हमने कहा था कि आप तो आइंस्टाइन है, आपको कौन नहीं जानता है। उन्होंने तो जवाब दिया, आप देखिएगा आइंस्टाइन का जवाब, उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है पर जाना कहाँ है, ये तो टिकट पे ही लिखा है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा साइंटिस्ट वो अपना भूल जा रहा है, कैसे भूल जा रहा है, अरे वो जाना कहाँ यही नहीं पता है। वास्तव में यही वो बेखुदी होती है जिसकी दरकार होनी चाहिए, जिसको जिसको पाने की जद्दोजहद होनी चाहिए। आप जब किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि दूसरे तमाम सारे काम आपको गौर लगने लगते हैं, सेकेंडरी लगने लगते हैं, तब समझ जाइए कि आप वास्तव में साधना कर रहे हैं। यही योग होता है, यही साधना होती है। योग कोई अलग से ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि वो बाबा रामदेव जी ने बता दिया और आप आसन लगा के बैठ गए तो योग हो गया, ये योग नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सरसाइज होती है। योग होता है जुड़ना, हम कितना जुड़ पाते हैं यही योग है। हम अपने परिवार से कितना जुड़ पाते हैं ये भी एक योग है। हम अपनी प्रकृति से कितना जुड़ पाते हैं, पेड़ पौधों पक्षियों से कितना जुड़ पाते हैं ये भी एक योग है, और हम स्वयं से कितना जुड़ पाते हैं ये सबसे बड़ा योग है। तो जो ये योगी होते हैं स्वयं की खोज में, किसी कॉन्सेप्ट की खोज में, जो हमेशा सोचा करते हैं, लगे रहते हैं, वही जिंदगी में कुछ अचीव कर पाते हैं। मैंने आइंस्टाइन का किस्सा सुनाया, बहुत सारे किस्से आपने किताबों में सुने होंगे कि आपने और तमाम सारे वैज्ञानिकों की कहानियां सुनी होंगी। तो और आप सब टीचर हैं, आप जरूर बच्चों को ये सारी कहानियां उनको जरूर सुनाइए। हमें लगता है कि जो किस्सा गोई होती है, कहानियां ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। किसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कहानी में या फिर कविता में उसे हम अगर बच्चों तक ले जा सकते हैं तो शायद बच्चे उस चीज को समझते हैं और रट लेते हैं, और या यूं कहें कि रटते नहीं हैं बल्कि उसे अपनी परमानेंट मेमोरी में डाल लेते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, बहुत सारी कहानियां जो हम लोग सुनते हैं, बचपन की कहानियां हमें ताउम्र याद रहती हैं, लेकिन हमें एक कॉन्सेप्ट जो हम कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं वो एक उम्र तक आते आते भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आज तक हम वो तरीका ईजाद नहीं कर पाए जिससे कि वो बड़े ही रसमय और बहुत ही रोचक तरीके से हम बच्चों तक पहुंचा सकें। मैं तमाम सारे कवि सम्मेलन के मंचों पे जाता हूँ, टीवी पे तमाम सारे शोज में मैं आता रहता हूँ। अभी फिर से शुरू हो गया है वाह वाह क्या बात, उसमें मैं 3 बार बुलाया गया कि मैं उन तमाम सारे मंचों पर जाता हूँ, चाहे वो समाज सुधार की भी कोई बात हो
या फिर एजुकेशन की बात हो, डायरेक्ट तो मैं कोई बात नहीं कहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम उस चीज को बड़ी आनंददायी तरीके से पहुंचाएं। क्योंकि जब हम किसी चीज में डूब जाते हैं तो हम आनंदित रहना सीख जाते हैं, हमें मजा आने लगता है, वो बिना डूबे बिना वो मजा नहीं आता है। तो जरूरत होती है कि हम आखिर आनंद प्लेजर की अगर हम बात करें तो बड़ा जरूरी होता है, और फ्रस्ट्रेशन और आनंद दोनों ही दो अलग, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, आते जाते रहते हैं। कभी जिस बात पर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ी देर बाद आपको आनंद भी आने लगता है जब आपका वो काम पूरा हो जाता, बड़े मजे लेते हैं। और ये होना भी चाहिए। एक साइंटिस्ट ने कहा, जिसे लोग कोट करते हैं, कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ग्रेट साइंटिस्ट ने कहा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन मैंने उसमें एक स्टेप और जोड़ दिया, इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन देन फ्रस्ट्रेशन इज द फादर ऑफ इनोवेशन। तो अगर आप, जो हर आदमी जिसने भी इनोवेशन करना चाहा, उसने जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन को जरूर देखा है, उससे वावस्ता हुआ है, उसको झेला है, और जो उस स्थिति को पार कर जाता है वो निश्चित ही कोई अच्छा इनोवेशन करता है देश के लिए, अपने लिए और समाज के लिए। मैं बता रहा था, ऋतु जी ने जैसा कि परिचय कराया कि मैं यूं तो मंचों पर सक्रिय हूँ, अखबारों में व्यंग लिखता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, लेकिन मैं एक काम जो मिशन की तरह से कर रहा हूँ वो है कि हम किस तरह से बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात आती है, तो हम बड़ी रोचक अंदाज में किस तरह से उनको प्रेरित कर सकते हैं, एक बड़ा बोरिंग सा कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से बड़ा आनंददायी बनाकर बच्चों तक पेश कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, कोई कहानियों में कह सकता है, कोई कह सकता है, मेरा टूल कविता है, मैं कविता को एज अ टूल इस्तेमाल करता हूँ विज्ञान की उन तमाम सारी बातों को कहने के लिए जिनको हम सिर्फ रट लेते हैं और पास हो जाते हैं, उनको आत्मसात नहीं करते हैं। तो मैं कुछ आपको सुनाऊंगा भी कि आखिर ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये चीज क्या है। ऋतु जी ने बड़ी प्रेरणा ली, मेरी एक किताब उन्होंने मंगाई, उसके बाद में उन्होंने पूरी किताब लिख डाली है, मुझे भेजी है, कुछ कविताएं मैंने पढ़ी हैं, मैं उसको जल्दी पूरा पढ़ करके और मैं जरूर जवाब दूंगा। तो कविता क्या होती है, कविता हमसे कितनी जुड़ी होती है, ये जानना पहले जरूरी है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से कविता उसकी जिंदगी में आती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के गीत गाए जाते हैं, वो कविता होती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो देखिए कि टीवी पर कोई गाना चल रहा होता है और बच्चा नाच रहा होता है, यानी कि उस कविता से नहीं लेकिन कविता की रिदम से वो बच्चा जुड़ जाता है। थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है, उसे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आर, वंडर, व्हाट यू आर, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये पढ़ाया जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, उसको पढ़ाया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है वो जॉन कीट्स को पढ़ता है, वो शेक्सपियर पढ़ता है, वो जॉन डॉन को पढ़ता है, अंग्रेजी की कविताएं पढ़ता है। थोड़ा बड़ा होता है तो अगर उसने हिंदी सब्जेक्ट लिया है तो अज्ञे को पढ़ता है, दिनकर को पढ़ता है, हरबंस राय बच्चन को पढ़ता है, तमाम सारे के गुलाम अली की गजलें गुनगुनाता है, गुलजार की कोई नज्म गुनगुनाता है, जावेद अख्तर का कोई गीत गुनगुनाता है। तो आप देखिए कि कविता की पूरी यात्रा उसके पूरी जिंदगी से जुड़ी हुई होती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं बताऊं कि जो रिदम होती है उसका अपना महत्व होता है। हवाओं के चलने का एक रिदम होता है, रिदम अगर टूट जाता है तो प्रलय आ जाती है। जब भी लय टूटती है तो प्रलय आ जाती है, किसी की भी लय हो। शरीर की भी अपनी एक लय होती है, दिल के धड़कने का रिदम होता है, खून के बहने का रिदम होता है, सब कुछ रिदमिक होती है। शायद इसीलिए बच्चा रिदम से सबसे ज्यादा जुड़ता है। कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब रिदम से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जरूरत होती है कि अगर हम साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं विश्व गुरु बनने का, तो हमें बच्चों के अंदर कविता के वो संस्कार पैदा करने होंगे। और विज्ञान अगर हम लिख सकते हैं पोएट्री में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मछली जल की रानी है की जगह पे हम कोई डीएनए की ऐसी ही कोई कविता बना लें और बच्चों के हम शुरू में ही उसको सिखा दें, जो वो कक्षा 8 या 9 में जाकर के सीखता है। आप देखिए कैसे विश्व गुरु हम बन पाएंगे। हम तमाम सारे कॉन्सेप्ट जो हमें सिखाए जा सकते थे बचपन में, हम मछली जल की रानी है न उलझे रहते हैं, हाथी राजा कहाँ चले में उलझे रहते हैं, हम ऐसी ऐसी कविताओं में उलझे रहते हैं। कारण क्या है? हमको वो कविताएं किसी ने लिख के नहीं दी बच्चों को, बच्चों का और ये स्कूल का कोई दोष नहीं है, उन तमाम सारे कवियों का इसमें जरूर मैं दोष मानता हूँ कि बच्चों के लिए और उनके विज्ञान के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए वो कविताएं नहीं लिख पाए। इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान में हम बहुत सारी चीजें जो हाई स्कूल और इंटर में जाके समझ पाते हैं, वो तमाम विदेशों के बच्चे उनकी अपनी टेक्निक्स की वजह से वो कक्षा 4 या 5 में समझ लेते हैं, यूएस और यूके और कनाडा के तमाम सारे बच्चे, तो हम पीछे रह जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं कविता को टूल की तरह से इस्तेमाल करूं। मैं एक आपको सुनाता हूं कि ये होता क्या है। अब हमको क्लोरोफिल बताना है, आप क्लोरोफिल को कैसे बताएंगे? एक मैंने कविता लिखी, आप सुनिएगा, 4 लाइनें हैं। और हम कैसे पर्यावरण के प्रति हम किस तरह से संवेदना भर सकते हैं लोगों के अंदर, उसका एक उदाहरण भी है कि समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज करता है, तो किनारे अक्सर दूर चले जाते हैं। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता। यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। जहां पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है, वहां की तटियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। अब इस कविता में वो बात कह दी गई, और इसका बड़ा साइंटिफिक एविडेंस भी है। आप कभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए और हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, तो आप पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का है वही सेम स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है। सिर्फ आयरन का फर्क होता है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और जो प्लांट क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। इतना सा फर्क है बस। वो दर्द पेड़ों को भी होता होगा जब वो काटे जाते होंगे, बेवजह काटे जाते होंगे, तो दर्द हमें होता है। और हरगोविंद खुराना ने वो मशीन भी बनाई थी जिससे वो महसूस भी कर सकते थे कि वो पेन उनमें किस तरह से होता है। तो ये एक उदाहरण था। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं कि मैंने किताब लिखी थी, उससे मैं अभी बाद में आऊंगा, पहले मैं छोटी छोटी कविताएं उदाहरण के तौर पर आपको सुनाना चाहता हूं कि जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, चल रही डार्विन के नियम की तरह, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना शक्तिशाली होगा वो आगे जाएगा। कि जिंदगानी है एक्वेरियम की तरह, चल रही डार्विन के नियम की तरह, और जब भी खोलो हमेशा लगेंगे जवां, जब भी खोलो हमेशा लगेंगे जवां,
खत भेजे हैं हरबेरियन की तरह। देखिए इस विज्ञान की टर्मिनोलॉजी आ रही है बड़े अच्छे तरीके से आ रही है, खत सहेजे हैं हर वेरियंट की तरह है, तो इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा। एक देश की बड़ी समस्या जो आजकल चरम पे है उसके बारे में किस तरह से कहा जा सकता है विज्ञान की भाषा में, इनको छेड़ो ना विस्फोट हो जाएगा। भावनाएं हैं यूरेनियम की तरह, इधर कुछ हुआ नहीं कि खाली के भावनाएं आहत देखिए यह है, तो ये उसके उदाहरण के तौर पर है। जैसे आपको डीएनए की एक कविता सुनाता हूँ, सलोनी है सुनिएगा आप, कि डीएनए पे कैसे कविता लिखी जा सकती है। आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो क्लास वन में है या यूकेजी में, मान लीजिए यूकेजी में है, मैं उसको डीएनए बता रहा हूँ, वो चीज जो कक्षा 7-8 में बताई जाती है, कैसे कोई डीएनए का कॉन्सेप्ट नहीं है इस कविता में, लेकिन लेकिन छोटा बच्चा डीएनए जरूर समझ जाएगा। सुनिएगा कि दादी कहती नाक तुम्हारी दादाजी से मिलती है, दादी कहती नाक तुम्हारी दादाजी से मिलती है, नानी कहती हंसी तुम्हारी नाना जैसी खिलती है, और चाची कहती चाल तो एकदम चाचा वाली पाई है, और ताई कहती आदत पूरी ताऊ जी से आई है, और पापा कहते गर्व हमें है आने वाली पीढ़ी पर, और पीढ़ी को चढ़ते जाना है डीएनए की सीढ़ी पर। देखिए स्ट्रक्चर भी आ गया इसमें, कॉन्सेप्ट भी आ गया, बात भी हो गई। तो ये होती है विज्ञान की वो कविता जो आपको शुरुआती स्तर से ही आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती है और आपको कुछ और पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं कुछ और आपको उदाहरण देता हूँ, किस तरह से मैंने साइंस के प्रयोग हास्य में किए, सटायर में किए। एक आप सब ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिजोनेंस का, है ना, रिजोनेंस क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, शायद 8th-9th में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसको लेकर के मैंने एक बार, आपको याद होगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जब इंडिया में आयोजित हुए थे तो एक ब्रिज बनाया गया था और वो कोलैप्स कर गया था। उसके बाद बहुत सारे ब्रिज मैं देखता रहता हूँ भारत में, अक्सर आप सुनते रहते होंगे, अभी कोलकाता में भी कोलैप्स हुआ ब्रिज, और तमाम सारी जगहों पर यूपी में भी कई सारे ब्रिज कोलैप्स हुए। एक बार क्या हुआ कि इंडियन इंजीनियर और अमेरिकन इंजीनियर दोनों दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों ही सिविल इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट भी पढ़ रखा था। क्या हुआ होता है कि एक बार भारतीय इंजीनियर अमेरिकन इंजीनियर के घर जाता है, तो वो उसको अपनी बालकनी में ले जाता है घर की बालकनी में, और भारतीय इंजीनियर उससे पूछता है कि अरे आपने इतना बढ़िया घर कैसे बनवा लिया शानदार। उसने कहा कि वो सामने आपको ब्रिज दिखाई पड़ रहा है? बोला हाँ दिखाई पड़ रहा है। बोला इसका 10% मेरी जेब में आया था, तो मैंने इतना बढ़िया घर बनवाया था। अब देखिएगा कि उसके 5 साल बाद अमेरिकन इंजीनियर हिंदुस्तानी इंजीनियर के घर आता है, हिंदुस्तानी इंजीनियर उसे लिफ्ट से ले जाता है 10वें फ्लोर पर, और 10वें फ्लोर की बालकनी में दोनों खड़े होते हैं। अमेरिकन इंजीनियर पूछता है वही प्रश्न कि आपने इतना बड़ा होटल जैसा घर कैसे बनवा लिया? तो उसने जवाब दिया इंडियन इंजीनियर ने कि सामने वो ब्रिज देख रहे हो ना, ब्रिज तो नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे। बोला दिखाई कैसे पड़ेगा, पूरा का पूरा ही तो मेरी जेब में आ गया है। ये कंट्राडिक्शन है, और मैं वो कविता आपको सुना देता हूँ। सुबह सेना की टुकड़ी पुल के ऊपर से गुजरी, गणतंत्र दिवस के सुबह सेना की टुकड़ी पुल के ऊपर से गुजरी, धारा से संविधान रूठ गया और पुल देश के कानून की तरह टूट गया। ठेकेदार को जेल, चीफ इंजीनियर की छुट्टी,
सरकार ने पिलाई जांच आयोग की घुट्टी, जांच आयोग की त्वरित रिपोर्ट आई, पुल टूटने का कारण वो मार्च पास्ट है भाई, कि पुल की आवृत्ति का कदमों की आवृत्ति से अद्भुत नाता है, दोनों के बराबर होने पर पुल टूट जाता है, इसे विज्ञान की भाषा में रिजोनेंस कहा जाता है। अब देखिए स्थितियां बदली, ठेकेदार बहाल, इंजीनियर खुशहाल, मेजर का कोर्ट मार्शल, सैनिकों को सजा, ये है असल गणतंत्र का मजा। सच तो ये है दोस्तों, लोकतंत्र के खंभे टिकाऊ होते हैं, उन पर बने ब्रिज बिकाऊ होते हैं, जिन्हें समाज के इंजीनियर और ठेकेदार लूट जाते हैं,